हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारी एक्सरसाइज 3.9 चल रही थी, जिस पर तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। साथ ही चैप्टर थोड़ा लेंदी है, क्योंकि 11th क्लास का ये समझ लीजिए कि 50% सिलेबस खाली थर्ड चैप्टर है, ठीक है। थर्ड चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपने 50% सिलेबस को कवर कर लिया, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी ये था, तो इसके अंदर एक एक्सरसाइज और बचती है इसके बाद, साथ ही हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए 19 में क्या करना है आपको, प्रूव दैट cos² a प्लस 120 और cos² a माइनस 120 इक्वल्स टू 3/2 आपको प्रूव करना है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी हमारा ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे भाई, LHS साइड लेके चलेंगे, टेकिंग LHS, और LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है भाई cos² a प्लस cos² a प्लस 120 और cos² a माइनस 120, ठीक है। तो देखिए cos² आपको नजर आ रहा है, तो cos² किस में आता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस cos 2a, ठीक है, और अपोन में क्या होता है, सॉरी भाई, 1 प्लस cos 2a क्या होता है आपका 2 cos² a, क्या होता है 2 cos² a, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस cos² का रिजल्ट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cos² को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख देते हैं हम cos² को, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, क्लियर है। एक चीज नोट करने की है यहाँ पर कि आपका एंगल a था और यहाँ पर एंगल क्या है 2a, यानी कि इधर से इधर अगर आएंगे तो एंगल का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो a का 2a हो गया, इसी प्रकार से इसमें भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos, और एंगल का डबल होगा तो a का डबल तो क्या हो जाएगा 2a, और 120 का डबल क्या हो जाएगा भाई 240, ठीक है ना, और अपॉन में क्या लिखेंगे 2। सेम इसके अंदर भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos, a का डबल क्या हो जाएगा 2a, और 120 का डबल क्या हो जाएगा भाई 240, और अपॉन में कितना है 2, ठीक है ना। तो तीनों के अंदर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब मुझे सभी के अपोन में 2 नजर आ रहा है, तो 2 को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ, मतलब 1/2 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां से बचा भाई मेरे पास 1 प्लस cos 2a। सेम यहां से बचा है भाई 1 प्लस cos 2a प्लस 240, ठीक है, और यहां से बचा है भाई हमारे पास 1 प्लस cos 2a माइनस 240, क्लियर है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था वो आपको नजर आ रहा है 3/2, तो देखिए 1/2 तो आपके पास बाहर आ चुका है, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, यानी कि 3/2 तो हमारा लगभग बन ही गया है, ठीक है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो बचता है हमारे पास 1 प्लस cos 2a, प्लस में क्या बचता है भाई cos 2a प्लस 240, ठीक है, और प्लस में क्या बचता है cos 2a माइनस 240। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था, RHS को थोड़ा देखते चले आप, ठीक है, हेल्प मिलती रहेगी आपको, तो हमें प्रूव करना था 3/2, तो 1/2 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ से बचा, अगर ये सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाए तो हमारा जो हमें प्रूव करना है RHS, यानी कि RHS हमारा मैच हो जाएगा, तो इसका मतलब इन तीनों को हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें और पीछे की एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर CD फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं भाई, CD फॉर्मूला, तो कौन सा CD फॉर्मूला, ये वाला cos C प्लस cos D, तो क्या होता था, ये आपका होता था 2 cos C प्लस D/2 और cos C माइनस D/2, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं आप इनको, तो ये इन दोनों टर्म के अंदर अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे को हेल्प मिलेगी, थोड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके एंगल देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा भाई, ऐड करेंगे तो 240 कैंसिल होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a कैंसिल होगा, इसलिए इन दोनों में लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इसका यूज हमने नहीं किया, क्योंकि इन दोनों में लगाने में फायदा हो रहा है हमें, हर बार एक टर्म कैंसिल हो रही है, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, 2 cos क्या है भाई, C प्लस D, तो ये आपका पूरा C है,
मतलब 2a प्लस 240, ये तो आपका क्या है c प्लस d, d आपके पास क्या है 2a माइनस 240 और डिवाइडेड बाई कितना था भाई 2, ठीक है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको cos c माइनस d, तो c आपका है 2a प्लस में कितना है भाई 240 और माइनस करेंगे ये आपका d है, ये क्या था c, तो c लिखा मैंने माइनस d, तो माइनस करेंगे तो देखिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2a हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 240 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई 2, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है आपको यहाँ पर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ से प्लस का 240 और माइनस का 240 क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का 2a और माइनस का 2a क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया है, तो भाई क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो हमारे पास बचा हुआ है देखिए बाहर से है 1/2, बाहर तो हमारे पास क्या बचा हुआ है भाई 1/2, ठीक है, और अंदर क्या है भाई यहाँ से है 3, फिर है हमारे पास प्लस cos 2a प्लस यहां से क्या बचा भाई 240 से 240 कैंसिल हो गया तो 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a, ठीक है ना, और बाहर क्या था यहां पर था हमारे पास 2 cos 4a अपॉन 2 बच गया भाई, ठीक है ना, ये 2a प्लस 2a मैंने इसको क्या लिख दिया है 4a, सेम यहां पर देखेंगे हम cos 240 कितना हो गया भाई 480 हो गया ना, 240 कितना हो जाएगा 480 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी ये कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 240 पर, क्लियर है। अब यहां से क्या होगा देखिए 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस क्या है हमारे पास भाई 2 cos, यहां पर एंगल में हमें नजर आ रहा है हमारे पास क्या बचा हुआ है 2a बचा हुआ है, ठीक है ना, कैंसिल होने पर 2 यहां से और a यहां से, और यहां पर क्या बचा हुआ है भाई 2 cos 40 बचा हुआ है, सॉरी cos 40 240, ठीक है, तो देखिए 240 को हम क्वाड्रेंट की हेल्प से क्या करेंगे तोड़ के लिख देते हैं क्योंकि 90 तक वैल्यू गिवन होती है, तो 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ 270 माइनस 30 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी क्वाड्रेंट में रिजोल्व करना, तो क्या करेंगे भाई 1/2 और यहां पर था हमारे पास 3 प्लस cos 2a प्लस में क्या है भाई 2 cos 2a, ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये cos 240 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस 30, ठीक है, 270 माइनस 30। अब आपको याद होगा कि 270 पर तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता था, तो 3 आपका एच डीज है, cos 2a भी एच डीज रहेगा, 2 cos 2a भी एच डीज लिख देते हैं, और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है तो cos किस में चेंज हो जाएगा भाई साइन में, ठीक है ना, और एंगल कितना है 30, तो 30 लिख देते हैं, क्वाड्रेंट कौन सी है, तो आप ध्यान से देखें तो 270 में से माइनस हो रहा है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा भाई नेगेटिव होगा, तो यहां पर नेगेटिव लिखने की बजाय दोनों टर्म इंटू में मैं आगे लिख देता हूं, क्लियर है भाई, दोनों इंटू में तो थी या बीच में माइनस लिखूंगा आगे लिख देता हूं, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहां पर देखिए साइन 30 की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा 1/2 3 प्लस cos 2a माइनस 2 cos 2a और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 होती है, ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो बाहर हमारे पास बचा है 1/2 3 प्लस cos 2a, ठीक है, ये वाला प्लस का cos 2a और यहां पर ये 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचा है माइनस का cos 2a, तो आप देख सकते हैं प्लस का cos 2a माइनस का cos 2a क्या हो गया कैंसिल, अंदर से बचा 3 बाहर था 1/2 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 आ जाएगा और यही आपका क्या है भाई RHS है, ठीक है ना, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना, जैसे मैं इसको कराने वाला हूं, तो यहां पर cos 5 थीटा है वहां पर साइन दिखेगा आपको, ठीक है भाई, तो देखिए कौन सी साइड से सोल्व करें भाई LHS से सोल्व करें या RHS से सोल्व करें, तो थोड़ा ध्यान से आप देखें तो RHS के अंदर आपको cos की पावर 5 भी नजर आ रही होगी, लेकिन 5 के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है ना, तो RHS से तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, चलिए क्यूब के लिए तो है लेकिन 5 के लिए तो नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई LHS से सोल्व कर लेते हैं, तो अब LHS में हमारे पास केवल सिंगल टर्म है भाई, खाली क्या लिखा हुआ है cos 5 थीटा है, अब यहां से इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम प्लस cos थीटा कर लेते हैं और माइनस क्या कर लेते हैं भाई cos थीटा, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, यहां पर हम cd फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो cd फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई कर सकते हैं हम, cos c प्लस cos d लगा सकते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, ये अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा भाई ये आपका देखिए cos
इन दोनों के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, टू कोस सी प्लस डी, सी आपका फाइव थीटा है और डी आपका क्या है, खाली थीटा है, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टू, टू कोस सी माइनस डी, तो सी आपका क्या है भाई, फाइव थीटा और डी क्या है, थीटा, और डिवाइडेड बाई टू, और माइनस कोस थीटा, ये वाली टर्म आपकी एच डी लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कोस फाइव थीटा प्लस थीटा कितना हो गया भाई, सिक्स थीटा, और डिवाइडेड बाई टू, कोस फाइव थीटा माइनस थीटा कितना बचेगा, फोर थीटा, और डिवाइडेड बाई टू माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया थ्री पर, और ये कैंसिल हो गया कितने पर, टू पर, तो यहां से हमारे पास क्या बचा हुआ है, टू कोस थ्री थीटा, और क्या बचा हुआ है भाई, कोस टू थीटा, और माइनस में क्या है हमारे पास, कोस थीटा। अब हमें यहां पर देखिए आरएचएस को देख लेते हैं पहले थोड़ा, आरएचएस में आपको सभी एंगल क्या नजर आ रहे हैं, थीटा थीटा नजर आ रहे हैं, इसका मतलब भाई ये ट्रिपल एंगल है और डबल एंगल है, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिपल एंगल को कैसे चेंज करेंगे, ट्रिपल एंगल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, कोस थ्री ए का फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था, ठीक है ना, और कोस थ्री ए का फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है भाई, ये होता है फोर कोस क्यूब ए, कोस थ्री ए का फॉर्मूला क्या था, कोस थ्री ए का फॉर्मूला था आपके पास फोर कोस क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोस टू थीटा के लिए देखिए, कोस टू थीटा के लिए आपके पास कोस टू ए का रिजल्ट था, इसके फोर रिजल्ट होते थे, लेकिन उनमें से कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे भाई, कौन सा लगाएंगे, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। अब आप मेरे से बोल सकते हो कि सर यही वाला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आरएचएस में आपको टर्म नजर आ रही है सभी किसमें नजर आ रही है भाई, कोस में नजर आ रही है, ठीक है ना, तो हमारा टारगेट क्या है, कोस में ही रखना है। वैसे इसके बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो कोस के साथ साथ या तो साइन में भी होते हैं या टेन में भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोस थ्री ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कोस टू ए का, तो चलिए कर देते हैं अप्लाई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आपका टू एच डी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कोस थ्री थीटा का यानी कि कोस टू ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ए था इसलिए ए लिखे हुए हैं, ठीक है ना, हमारे पास थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, थीटा, तो ये हो जाएगा आपका फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखिए कोस टू ए का अप्लाई करेंगे, वो वाला उधर जो लिखा हुआ है भाई, इसमें फॉर्मूले में ए था इसलिए ए लिखा है, हमारे पास थीटा है तो हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोस थ्री ए का और यहाँ पर कोस टू ए का रिजल्ट अप्लाई कर दिया, इसको मैं एच डी रखूंगा माइनस कोस थीटा को, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों टर्म आपको इंटू में नजर आ रही है, बीच में किसी चीज का साइन नहीं है, किसका है भाई, मल्टीप्लाई का है, तो हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू हमारा एच डी बाहर रहेगा, सबसे पहले मैं इसको इससे करूंगा, देखिए फोर टू जा कितना हो जाएगा, एट, कोस की थ्री यहां से टू वहां से कितनी हो गई, कोस की फाइव पावर हो गई, ठीक है। अब इसको मैं इस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, एच डी जाएगा फोर क्यूब थीटा, ठीक है, इसके साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ कर लेते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स कोस की वन पावर यहां पर और टू यहां पर कितनी हो गई भाई, थ्री हो गई, और इसको जब वन से करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस और थ्री कोस थीटा एच डी जा जाएगा, और माइनस में क्या है भाई हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। अब आप इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो टू को एट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, सिक्सटीन कोस फाइव कोस की पावर फाइव थीटा माइनस टू फोर जा एट कोस की पावर कितनी है थ्री थीटा और टू सिक्स जा ट्वेल्व और क्या हो जाएगा कोस क्यू थीटा और सेम यहां पर टू थ्री जा सिक्स और क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा और माइनस में क्या है भाई कोस थीटा है ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्सटीन कोस रेज टू पावर फाइव थीटा ये देखिए लाइक टर्म है दोनों ठीक है ना दोनों में ही क्यूब है तो 12 यहां पर है माइनस का और 8 यहां पर है तो क्या होंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और साथ में क्या था भाई क्यूब थीटा। अब यहां पर भी ये देखिए दोनों लाइक टर्म है दोनों कोस थीटा है तो प्लस का 6 है और माइनस का 1 है तो कितना बचेगा प्लस का 5 बच जाएगा भाई हमारे पास ठीक है और ये सेम आपका क्या था आरएचएस था ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा मेमोराइज रखें कि एलएचएस साइड से सोल्व होगा और उसके अंदर आपको प्लस कोस थीटा और माइनस कोस थीटा करना होगा ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें साइन में है तो वहां पर साइन थ्री ए और साइन टू ए का रिजल्ट आपको लगाना पड़ेगा आरएचएस के लिए ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन 22 एंड हाफ की वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे ही आप कोस 22 एंड हाफ की भी निकाल सकते हो टेन 22 एंड हाफ की भी निकाल सकते हो ठीक है ना। तो आपको क्या करना है देखिए कोई रटने वाली बात नहीं है केवल आपको थोड़ा इतना सोचना है कि भाई 22 एंड हाफ दे रखा है हमें अब इसकी तो टेबल पर वैल्यू होती नहीं तो आप क्या करेंगे इसका डबल करके देखें एक बार भाई हाफ में तो कोई मतलब ही नहीं है इसका और हाफ करेंगे तो टेबल में वैल्यू कहां से मिल जाएगी
तो डबल करके देख लें, 22 एंड हाफ का डबल करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा भाई, 45 डिग्री बनेगा। और देखिए 45 पर हमें टेबल में वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एंगल हाफ होता हो और साइन का रिजल्ट हो, ठीक है। तो हाफ होता हो और साइन का रिजल्ट हो, तो आपको याद आएगा कि भाई 1 cos 2a का एक हमारा फॉर्मूला होता था, जो कि क्या होता था, 2 sin² a होता था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल ए है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2a। अगर आप इधर से इधर बोलेंगे तो बोलेंगे डबल हो रहा है, और इधर से इधर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाफ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ से साइन के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, यहीं पर बना के दिखाता हूँ आपको, सोल्यूशन में ही आप फेयर में कर सकते हैं इस चीज को। तो मेरे पास था फॉर्मूला 2 sin² a इक्वल्स टू क्या है भाई, 1 cos 2a, ठीक है। साइन वाली टर्म को मैंने इधर लिख दिया और कोस वाली को उधर लिख दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मुझे साइन के लिए रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वेयर ए को यहीं पर रखता हूँ, और 2 जो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन ये तो स्क्वेयर के लिए बना, भाई मुझे स्क्वेयर नहीं चाहिए, स्क्वेयर नहीं चाहिए तो भाई स्क्वेयर को भी उधर भेज दीजिए, तो स्क्वेयर उधर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा भाई, स्क्वेयर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास साइन ए के लिए रिजल्ट बन चुका है। अब हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास क्या है, 22 एंड हाफ, तो आप यहाँ पर ए की बजाय लिख देंगे 22 एंड हाफ इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 22 एंड हाफ, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई हमने ए को किससे रिप्लेस कर दिया है, 22 एंड हाफ से। तो देखिए यहाँ पर जब मैं 22 एंड हाफ लिखूंगा, मतलब 22 एंड हाफ लिखूंगा यहाँ पर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और प्लस 1 करेंगे 45 अपॉन 2 नहीं हो जाएगा ये। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना भाई। ए की वैल्यू आप यहाँ पर ये वाली रिप्लेस करेंगे, या फिर ये रिप्लेस करेंगे 45 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 45 नहीं बन जाएगा। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया 45, ठीक है। या फिर आप सीधा भी समझ सकते हैं भाई, 22 एंड हाफ है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 22 एंड हाफ, और यहाँ पर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी कि उसका डबल हो रहा है, तो 22 एंड हाफ का डबल क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। अब इसमें आप कोस 45 की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√2 होती है, क्या होती है, 1/√2, और इसके अपॉन में कितना है, 2। इसको थोड़ा और हम एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अपॉन में हमारे पास 2 था, और एलसीएम कितना ले लिया हमने, √2 एलसीएम ले लिया भाई, ये √2 क्या ले लिया, एलसीएम। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा, माइनस में क्या बचेगा, 1, क्योंकि इसमें √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इन दोनों को मैंने एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेंगे, और फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, 2/1 का क्या बन जाएगा, 1/2, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो फाइनल क्या बचा आपके पास, फाइनल आपके पास यहाँ से बचा हुआ है √2 - 1 अपॉन √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा, यानी कि साइन 22 एंड हाफ की वैल्यू आपके पास क्या होगी, स्क्वेयर √√2 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है। तो कभी भी आपको हाफ मतलब इस टाइप के एंगल दे रखे हो तो उनका आप डबल करके देख लें, अगर उस पर आपको टेबल में वैल्यू गिवन है तो आपको सेम ऐसे ही फॉर्मूला सर्च करके निकालना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में आपको क्या है कि cos 135 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, -1/√2। देखिए अगर ये वैल्यू गिवन नहीं भी होती तो भी हम इसको सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे सोल्व कर सकते थे भाई, देखिए 135 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 - 45 लिख सकते हैं, या 90 + 45 लिख सकते हैं, और 45 पर हमें टेबल में वैल्यू गिवन होती है, ठीक है ना। तो ये हमें अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ तो देखिए क्लियर नजर आ रहा है कि इसका डबल ये है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो इसके अंदर आपको एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जो डबल एंगल में होता हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा भाई, गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है cos 135 की वैल्यू, कितनी गिवन है, -1/√2, ठीक है। और आपको किसकी निकालनी है, cos की, तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा जो cos के हाफ एंगल में होता हो, ठीक है, यानी कि हाफ एंगल होता हो। तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, 1 + cos 2a इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 2 cos² a होता है, ठीक है। तो इसका हाफ नहीं हो रहा है इधर, ठीक है, या अगर उल्टा देखेंगे तो कहेंगे कि डबल हो रहा है, ठीक है, कैसे भी समझ ले वो तो समझने की बात है। तो यहाँ से मैं cos का रिजल्ट निकाल सकता हूँ, तो देखिए यहीं पर निकाल के दिखाता हूँ, आप फेयर में कर सकते हैं इस चीज को।
टू कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया है भाई, वन प्लस कोस टू ए, ठीक है। कोस वाली टर्म को इधर लिख दिया और वन प्लस कोस टू ए को मैंने उधर लिख दिया है, तो मुझे यहाँ से कोस के लिए रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा भाई, डिवाइड होगा, तो वन प्लस कोस टू ए अपोन में क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। अब कोस का जो स्क्वायर है ना उसको हम उधर भेज देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा भाई, किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस कोस टू ए अपोन में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया है, किसके लिए, कोस के लिए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 67.5 की, तो हम कोस ए को रिप्लेस कर देते हैं 67.5 से। तो आप 67.5 का डबल करके देखिए भाई, यहाँ ए लिखा है, यहाँ टू ए लिखा है, मतलब इधर से इधर डबल हो रहा है ना, तो ए की वैल्यू अगर 67.5 है तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल करके देखें आप इसका, तो आपको पता लगेगा कि 135 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2a को सीधा 135 से रिप्लेस कर दिया है। या फिर आप ऐसा करें, a की वैल्यू आपके पास 67.5 है, इसको प्रॉपर में चेंज करके 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर अब cos 135 की वैल्यू मुझे गिवन है, वो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो cos 67.5 स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस टू ए, सॉरी कोस 135, कोस 135 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है भाई, माइनस 1 अपॉन रूट 2 गिवन है, ठीक है। और कंप्लीट के अपॉन में क्या था, 2 था, तो इसकी वैल्यू मैंने माइनस 1 बाई रूट 2 रिप्लेस कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखिए क्या होगा, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है भाई। और 1 बाई रूट 2 अपॉन में क्या था, 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए अपॉन में आपके पास 2 था भाई, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना। ये छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो एलसीएम वगैरह लेकर के सिंप्लीफाई करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो रूट टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, रूट टू, माइनस रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। इसके अपोन में 1 लेट करें और रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा रूट टू माइनस 1 अपोन में क्या था, रूट टू था। अब 2 बाई 1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल यहाँ से क्या हुआ, रूट टू माइनस 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रूट टू माइनस 1, और 2 को रूट टू से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया है, किसका, cos 67.5 का। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर sin 67.5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा वाला रिजल्ट यूज हो जाएगा, ये वाला, उसमें यहाँ से sin की वैल्यू कैलकुलेट कर ले आप, ठीक है, समझ में आया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हाफ एंगल के लिए भी वैल्यू निकालना समझ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए इसमें साइन स्क्वेयर 72 माइनस साइन स्क्वेयर 60 इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि साइन 18 की वैल्यू और कोस 18 की वैल्यू, ये भाई दोनों आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी, थोड़ा इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, और कोस 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। तो इनको याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो देखिए कम से कम इसको तो याद आपको करना ही पड़ेगा। कोस 18 की आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे भाई, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसमें आप, ठीक है भाई, अगर दोनों को याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, यहाँ से एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं हम, टेकिंग एलएचएस, और एलएचएस में हमारे पास क्या है भाई, एलएचएस में हमारे पास है साइन स्क्वेयर 72, साइन स्क्वेयर 72 माइनस साइन स्क्वेयर 60, ठीक है। अब देखिए इसमें से साइन 60 की वैल्यू तो हमें गिवन होती है, ठीक है ना, तो साइन 60 की वैल्यू तो चलिए हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अब 72 का क्या करें, तो आप ध्यान से अगर देखें तो 72 को अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई 90 माइनस 18, क्योंकि 18 पर वैल्यू मुझे अब गिवन है, ठीक है ना, तो मैंने 90 माइनस 18 लिख दिया है इसको, क्योंकि 18 पर आप वैल्यू मुझे गिवन हो गई है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3/2, ठीक है, इसका स्क्वेयर है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे, 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा भाई, सॉरी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आप करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वेयर है, अगर नंबर नेगेटिव भी आया तो भी हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना, होल स्क्वेयर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो थीटा आपके पास कितना हो गया, 18 माइनस रूट 3 का स्क्वेयर करेंगे 3, और 2 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कोस 18 की वैल्यू आपको गिवन है वो रिप्लेस कर देंगे, तो कोस 18 की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, ये आपके पास 10 प्लस 2 रूट 5,
अपॉन में क्या है भाई 4, ठीक है, इसका स्क्वेयर है तो इसका भी हम क्या कर देते हैं स्क्वेयर कर देते हैं, और माइनस में कितना है हमारे पास 3/4। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देख सकते हैं भाई कंप्लीट का होल स्क्वेयर है तो 4 का स्क्वेयर तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और इस पर क्या है स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 10+2√5 बचेगा भाई, क्या बचेगा 10+2√5, क्योंकि इसके स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो गया है कैंसिल हो गया है, और माइनस में हमारे पास कितना था 3/4, ठीक है, तो इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, देख सकते हैं आप 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10+2√5 बचेगा भाई, ठीक है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो, और इसके साथ सोल्व करेंगे तो 16 कितने पर कैंसिल होगा 4 पर, न्यूमिनेटर में 3 यहां से बचा हुआ है तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, तो फाइनल क्या बचा अपॉन में, तो फाइनल बचा हुआ है आपका 16, 2√5 को मैं एचडी लिख देता हूं, प्लस का 10 है और माइनस का 12 है, तो माइनस का कितना बचेगा 2, अब आपको न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन दिख रहा होगा तो 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा √5, यहां से 2 कॉमन गया कितना बचेगा 1, अपॉन में कितना है भाई 16, तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, तो फाइनल कितना बचा, फाइनल बचा आपके पास √5 − 1/8, ठीक है, और यही आपका क्या होगा भाई RHS होगा, तो ये दोनों वैल्यू आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो के लिए, तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अभी, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं भाई LHS साइड लेके चल रहे हैं, तो LHS में हमारे पास क्या है भाई साइन 12 है, ठीक है, और साइन 48 और साथ ही क्या है साइन 54 है, ठीक है भाई। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं इनके अंदर प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ठीक है भाई, इंटू मेट्रा में सीधी सी बात है प्रोडक्ट फॉर्मूले की को अप्लाई कर सकते हैं हम यहां पर, लेकिन उसके लिए हमें 2 की आवश्यकता है, तो क्या करना पड़ेगा भाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है आपका केवल 2 टर्म के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इसलिए मैंने थर्ड टर्म को बाहर लिख दिया है, तो यहां पर कौन सा लग रहा है आपका, ये यहां पर लग रहा है आपका 2 sin A sin B, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 2 sin A sin B क्या होता है भाई, ये होता है आपका cos A − B − cos A + B, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा हमारा 1/2, क्या लिखेंगे इसको cos A − B, तो A आपका 12 है और B कितना है भाई 48 − cos A + B, तो A आपका कितना है 12 और B कितना है 48, ठीक है, इसके अंदर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, और इंटू में आपका जो साइन 54 है वो HD रहेगा, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 cos 12 में से 48 अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस का 36 बचेगा, लेकिन आपको पता है कि भाई जो cos माइनस थीटा होता है वो आपका क्या होता है cos थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, इसलिए माइनस 36 को मैंने लिखने की बजाय माइनस लिखने की बजाय प्लस लिखा, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई cos थीटा, ठीक है, माइनस 48 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 60 हो जाएगा भाई, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 54, ठीक है, अब देखिए cos 60 की वैल्यू तो हमें गिवन है, ठीक है, वो तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन cos 36 का क्या करें, तो हमें याद आया भाई हमें cos 18 की वैल्यू गिवन है, और 18 का डबल कितना होता है 36, ठीक है ना, तो इसका डबल ही तो है, तो यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आप अलग से रफली निकाल सकते हैं इस चीज को, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर लगेगा 1+cos 2a, जो कि क्या होता है आपका 2cos² a, क्लियर है, तो यहां पर आपका जो a है ना वो कितना है 18 है, a कितना है भाई 18, ठीक है ना, a की वैल्यू 18 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1+cos 18 यहां पर रिप्लेस करेंगे कितना हो जाएगा 36, और यहां पर हो जाएगा 2cos² 18, अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है cos 36 की, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी गिवन अब की बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 1 को उधर भेज देते हैं, प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2cos² 18 − 1 हो गया, ठीक है, तो आप इसके अंदर रिप्लेस कर दें, 2 आपका HD है, cos 18 की वैल्यू आपको गिवन थी, तो इसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा √10+2√5 अपॉन में कितना था भाई 4, ठीक है, और इसका स्क्वेयर था तो इसका भी हम क्या कर देते हैं स्क्वेयर, और माइनस में कितना है 1, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आपका HD लिखा है मैंने, 4 का स्क्वेयर मैं कितना लिख दूंगा 16, और न्यूमिनेटर का स्क्वेयर करूंगा तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला 18 और cos 18 और sin 18 की याद रखें, बाकी की आप निकाल सकेंगे, जैसे 36 की 72 की भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना,
और माइनस में कितना है हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 कैंसिल हो गया भाई एक पर, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं भाई एलसीएम कितना ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे। तो 8 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसके साथ सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 2 रूट 5 आपका एचडी जाएगा, ठीक है। और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां से आप जब फाइनल देखेंगे प्लस का 10 माइनस का 8 प्लस का 2 बचा भाई, और साथ में क्या बचा है 2 रूट 5 और अपॉन में कितना है 8। तो न्यूमिनेटर से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट 5, ठीक है ना। 2 कॉमन कर लिया है न्यूमिनेटर में से, अपॉन में 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो रूट 5 को मैं पहले लिख देता हूं और प्लस का 1 बाद में, अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इतना थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, केवल इन दोनों की वैल्यू याद रखें। और नहीं कर सकते हैं तो साइन 18 और कोस 18 के अलावा साइन 36 और कोस 36 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है, चलिए मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पर। तो देखिए यहां पर था मेरे पास 1 बाय 2 और कोस 36 की वैल्यू मेरे पास आई है भाई रूट 5 प्लस 1 और अपॉन में कितना था 4। साइन 60 की वैल्यू मुझे गिवन है भाई कितनी होती है 1 बाय 2 और बाहर मेरे पास था साइन 54, ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एलसीएम वगैरह लेकर के सोल्व करते हैं। तो क्या होगा भाई यहां पर, यहां से हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो बाहर था हमारे पास 1 बाय 2 और अंदर से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहां से 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा है आपका रूट 5 प्लस 1 बचा है, ठीक है। और इससे सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 कितना बचेगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है ना। तो अंदर वाले का एलसीएम लेकर के हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब साथ ही आपका यहाँ पर आ रहा है साइन 54, ठीक है। तो साइन 54 की वैल्यू हमारे पास सीधी तो होती नहीं है भाई, तो इसको भी आप क्या करेंगे 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, मतलब 90 के मतलब क्वाड्रेंट में चेंज कर लेंगे, ठीक है भाई। तो 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि मेरे पास 54 बचे, तो 36 माइनस करूं, ठीक है ना। तो 54 को मैंने क्या लिख दिया है साइन 54 को मैंने क्या लिख दिया है साइन 90 माइनस 36 लिख दिया है भाई, क्लियर है। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 1 बाय 2 भाई रूट 5 आपका एच डी जे प्लस का 1 माइनस का 2, तो कितना बचेगा माइनस का 1 और अपॉन में कितना था 4। 90 पर आप देख सकते हैं 90 पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा कोस में, थीटा कितना है भाई 36, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सी है फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए कोस 36 आ गया और कोस 36 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ठीक है ना, कितनी आई थी रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो अगले स्टेप में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 और कोस 36 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, क्लियर है भाई। तो ये हो गया है, अब क्या करेंगे आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई 4 4 जा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, और न्यूमिनेटर में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बचा है रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर आप a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा 5, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा 1 और अपॉन में कितना था हमारे पास 32 भाई। 5 माइनस 1 करेंगे कितना बचेगा 4, अपॉन में कितना है 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 कितना आ गया 1 बाई 8 आ गया, ठीक है। और यही आपका क्या है भाई RHS है। तो आप देख सकते थे यहाँ पर इंटू में टर्म हमें नजर आई, और इंटू में टर्म जब भी आती है तो आप क्या अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। कितने प्रोडक्ट फॉर्मूले होते हैं हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। इससे पहले की एक्सरसाइजों में आप पढ़ चुके हो प्रोडक्ट फॉर्मूले भी सीडी फॉर्मूले भी, ठीक है भाई। तो उसके बाद आपको साइन 18 और कोस 18 की वैल्यू आपको मेमोराइज रखनी है, 36 की अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनको भी याद करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है, तो साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।